सो हेलो प्रोड्यूसर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एक्सपीडियो म्यूजिक। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग हाउ टू मेक एपिक बिग रूम ब्रेकडाउन। सो हियर इज द डेमो ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। हेलो प्रोड्यूसर, दिस इज एक्सपीडियो म्यूजिक और इस चैनल पे हम लोग मोस्टली EDM और फेस्टिवल म्यूजिक के बारे में ट्यूटोरियल्स देखते हैं। तो कमेंट्स में बताना अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, कुछ भी रिकमेंडेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहे कुछ सिंथ से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है। ये है कॉर्ड प्रोग्रेशन, प्ले करके देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है। लैब्स का पैड एक है, फ्री है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्लगइन है। और उसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक बेस हमने यूज किया है। वैसे आप लोग को बता दूं कि ये पार्ट टू है इस वीडियो का। पार्ट वन पहले ही आ चुका है चैनल पे, जिसमें मैंने दिखाया था इस गाने में हाउ टू मेक बिग रूम टेक्नो ड्रॉप। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी यूनिक बिग रूम ड्रॉप था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी, और उसी ड्रॉप से ही मैंने ये आर्प को यूज़ किया इसमें। कट ऑफ को ऑटोमेट किया है ताकि एक टेंशन बिल्ड हो सके पूरे ब्रेकडाउन के थ्रू, और ये कुछ एटमॉस्फेयर के लिए एलिमेंट यूज किए। तो जैसे हार्ट मशीन जो नहीं होती मॉनिटर करती है, उसकी तरह का साउंड है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे हार्ट बीट किक भी यूज किया। और सेकेंड हाफ में कुछ क्लैप्स और शेकर्स को ऐड किया है। सो या एंड देख लेते हैं वोकल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वोकल्स। ये वोकल्स मुझे एक फ्री रॉयल्टी फ्री सैंपल पैक में मिला था और काफी अच्छा साउंड कर रहा है वोकल। काफी ज्यादा खतरनाक रिवर्ब मैंने यूज किया इसमें। पता नहीं मुझे क्यों रिवर्ब इतना ज्यादा प्यार है। वोकल चैनल तो देखते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग के ये कैसे साउंड कर रहा है। तो इस वोकल को मैंने की में लाने के लिए 500 सेट ऊपर किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चिपमंक की साउंड कर रहा है। उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया लिटिल अल्टर बॉय, ये रहा, जिसमें मैंने फॉर्मेट को नीचे शिफ्ट कर दिया है, जिससे ये अब ये थोड़ा नॉर्मल साउंड कर रहा है। और मैंने फॉर्मेट को आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑटोमेट किया है, थोड़ी अलग सी, थोड़ा यूनिक टच देने के लिए, एक अपना टच देने के लिए वोकल को। यहाँ पे थोड़ा सा वोकल शॉप लगाया है, थोड़ा सा यूनिक टेस्ट देने के लिए। उसके बाद लिटिल अल्टर बॉय के बाद एक A1 स्टेरियो कंट्रोल यूज़ किया है, स्टेरियो विथ थोड़ी सी कम करने के लिए, ताकि बाकी सारी एलिमेंट्स से क्लैश ना करे वोकल।
वही पैरामेट्रिक ईक्यू काफ़ी सारी हाई बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोज और फॉर्मेट शिफ्ट करने की वजह से काफ़ी सारे हाई लॉस हो गए थे, इसलिए मैंने हाई फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट की, जैसे कि आप देख सकते हैं। थर्टी परसेंट OTT और पीक कंट्रोलर किस लिए? रिवर्ब को कंट्रोल करने के लिए, डिले को कंट्रोल करने के लिए। फ्रूटी डिले 3, वन ऑफ माय फेवरेट। पिंग पोंग डिले यूज किया है। एंड आर्ट अकूस्टिक रिवर्ब, वन ऑफ माई फेवरेट। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रिवर्ब यूज़ किया है एक एपिक वाइब देने के लिए। और वोकल से ही मैंने ये एक वोकल पैड के लिए बनाया है, एक एटमॉस्फेरिक वाइब क्रिएट करने के लिए, ऐसा कुछ साउंड करता है। सो अकेले ये काफ़ी ज़्यादा बेकार साउंड करता है, बट या सारी चीज़ों के साथ में ये काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है। लेट्स लिसन इट टुगेदर विद वोकल्स। और तो इस ब्रेकडाउन में कुछ खास यूज़ नहीं हुआ, और ये जो क्लाइमेक्स की सिंथ है उसको मैंने ऑटोमेट किया रैंडमली पूरे ब्रेकडाउन में। अभी हम लोग देखेंगे कि एपिक ब्रेकडाउन भी मैंने कैसे बनाया है। सो स्टे ट्यून, कहीं छोड़ के मत जाइएगा। एफएक्स देख लेते हैं क्या यूज़ किया है इसमें। एक इम्पैक्ट काफ़ी तगड़ा, यहाँ पे क्रैश कुछ खास नहीं यूज़ किया, वैसे सब बेसिक चीज़ें ही हैं। एक बार सुन के देखते सारी चीज़ें साथ में कैसे काम कर रही हैं। तो अब बारी है एपिक पार्ट की, या क्लाइमेक्स बोल लीजिए, हैंड्स अप मूवमेंट बोल लीजिए। तो देख लेते हैं वो मैंने कैसे बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बनाने में दिक्कत होती है। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाते थे। नीचे बैकग्राउंड में कॉर्ड्स है थोड़ी सी, उसको मैंने कंसोलिडेट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा CPU खा रही थी। ये भी तो ये दो जो लेयर्स मैंने लगाई हैं, या बैकग्राउंड में कॉर्ड्स कह लीजिए, पैड्स हैं इसमें, कॉर्ड्स है, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनके बिना जो मैं हमारी मेन लीड है बहुत खाली साउंड करेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भर रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एपिक पार्ट में हम चाहते हैं कि हमारी पूरी स्पेक्ट्रम भरी हो, हम कुछ खाली पन नहीं चाहते। तो ये हमारी मेन साउंड्स है, मेन साउंड से देख लेते कैसे साउंड करते।
इसकी प्रोसेसिंग भी वही बेसिक प्रोसेसिंग, कुछ खास फैंसी नहीं किया है, सब बेसिक चीज़ें हैं। A1 स्टेरियो कंट्रोल 35%, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा वाइड जाता था स्टेरियो फील्ड में। कैमल क्रशर, OTT 19%, OTT ब्लड ओवर ड्राइव काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लगइन। सैचुरेशन और प्रो Q3 अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को हटाने के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी को बूस्ट किया है मैंने इसमें, और कुछ खास नहीं है, सब वही बेसिक चीज़ें। आइए इन चारों चीज़ों को देखते हैं सबके साथ में कैसी साउंड करें। नीचे की कॉर्ड्स और पैड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन एपिक पार्ट्स में, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए बस। और इस आर्प को मैंने आगे कंटिन्यू किया जो ब्रेकडाउन में यूज़ की थी, और सेम बेस। इफेक्ट्स में भी वही इम्पैक्ट और क्रैश को यूज किया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसे ऐसे जो एपिक पार्ट्स होते हैं उनमें ये क्राउड की साउंड, तो ये ज़रूर डालिएगा तो इससे काफ़ी अच्छी फील आती। और इसका फ़ायदा ये भी है कि ये बच्ची को जी थोड़ी बहुत जो फ्रीक्वेंसी खाली रहती है उसको भी भर देते हैं, तो एक तरह से काफ़ी फुल साउंड करता है हमारा ब्रेकडाउन। चलिए सारी चीज़ों को एक साथ सुन के देख लेते हैं कैसे साउंड कर रहे हैं। सो या दिस वॉज द ट्यूटोरियल, ये सेकेंड पार्ट था, इसमें सिर्फ मुझे ब्रेकडाउन ही दिखाना था, तो हाँ इतना ही। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी नई वीडियोस बनाने वाला हूँ। पार्ट वन ज़रूर देखना, यहाँ पे होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।